तो मैप कैसे करते हैं, जो आपके आसपास जो स्पेस होती है उसको मैप कैसे करते हैं? प्राइमरी क्लास से हम ये चीजें करते आ रहे हैं। प्राइमरी क्लास से क्या आप जैसे बचपन में आपने देखा होगा, जो आप कोई गेम खेलते हैं या आप कोई एक मैप का गेम खेलते हैं, यहां से वहां जाना, या सांप सीढ़ी खेलते हैं। सांप सीढ़ी भी तो इसी तरीके का है, मैपिंग मैपिंग ही तो कर रहे हैं आप। तो ज्योग्राफी में आप किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन को लोकेट करते हैं। आजकल जैसे मोबाइल पे आपके गूगल मैप से आप क्या करते हैं, दो पोजीशन देते हैं और आप आराम से रास्ता तय करते हैं। वहां पर रिवर क्या है, माउंटेन क्या है, वो सब दिखता है मैप पे। तो अगर हिस्ट्री में जाएं तो वहां पर जो रूट्स होते थे वो ट्रेस्ड होते थे, रिवर्स के, रोड के, रेलवे लाइंस के, ट्रेडर्स के। तो हम रीड कैसे करते हैं, कैसे समझते हैं कि मैप को, मैप में क्या क्या चीज है? सब चीजें अलग अलग होंगी उसमें। तो उसके लिए अगर आप इस पिक्चर को देखें, तो अगर मैं इस पिक्चर को बनाने की कोशिश करूं, यहाँ पेड़ है, इसको पेड़ बना देंगे। ये आपका घर है, घर के अलग अलग जो कमरे हैं, पोजीशंस है, मान लीजिए घर बनाने है, आपको बनवाना है, तो आप इस तरीके से इसका एक आउट लुक देंगे, या फिर एक जिसे कहेंगे एक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, फ्रेमवर्क देंगे। यहाँ पर जैसे आपका ये एरिया है, कुछ लॉन बनाना चाहते हैं, ये एंट्री है, यहाँ कुछ किचन होगा, कहीं बाथरूम होगा, ऐसे ये बनता है। तो यहाँ पर हम एक पिक्चर बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि इसमें डिटेल दिखा सके, लोकेशन बता सके, और आसपास की ऑब्जेक्ट से जिसे हम कहते हैं सपोर्टिंग डेटा जो होता है, इससे क्या होता है कि हमको एक डिस्क्रिप्शन मिल जाता है कि हाँ एक नॉर्मल व्यू कैसा होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि जो घर का मैप होता है वो मैप एक्चुअल मैप से, जैसे जो टेरेन का मैप होता है जगह के मैप से, थोड़ा अलग होता है। मैप का जो मैप जो होगा हाउस का, वो किसी भी जगह से देखेंगे तो उसी तरीके से दिखाई देगा। लेकिन जब आप मैप पे आते हैं, वाकई में मैप पे आते हैं, जो पर्सपेक्टिव है वो जब हम पिक्चर ड्रॉ करते हैं वो रिलेवेंट नहीं है मैप के साथ। तो अब ये जरा मैप देखिए वाला 10.2 पे हम मैप देख रहे हैं, इसको इस तरीके से ड्रॉ किया गया। एक साहब थे, राघव साहब है, छोटे साहब है, उन्होंने कुछ इस तरीके से अपने घर से लेकर, हाउस से लेकर स्कूल तक का मैप बनाया। अब ये इनका हाउस है, ये इनके सिस्टर का स्कूल है, ये इनका स्कूल है। तो इससे हम बता सकते हैं कि आप क्या बता सकते हैं, पहले तो मैं बताऊं आपको, साहब ने बहुत अच्छी कोशिश की है। हाउ फार इज राघव स्कूल फ्रॉम हिज हाउस, राघव साहब का स्कूल उनके घर से कितना दूर है, यहां से लेकर ये कितना दूर है, आप ये डिस्टेंस लेंगे या ये डिस्टेंस लेंगे, ऐसे। फिर इसके बाद वुड एवरी सर्कल इन द मैप डिपिक्ट अ राउंड अबाउट, ये जो गोले दिख रहे हैं क्या राउंड अबाउट है सारे, ओके। किसका स्कूल पास है, राघव साहब का या फिर राघव साहब की सिस्टर का? बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको समझना, अंदाजे से तो हम बता सकते हैं। इसका रीजन ये है कि ये जो डिस्टेंस हम दिखा रहे हैं, जो सर्कल्स दिखा रहे हैं, राउंड अबाउट दिखा रहे हैं, हो सकता है वो कुछ और डिपेक्ट करने लग जाए। तो इस तरीके से जो राघव साहब ने कहा, एक बहुत अच्छी कोशिश थी उनकी, हम उसको उनको बहुत बधाई देते हैं। लेकिन अगर हम वाकई में एक और मैप देखें, उनकी सिस्टर है मीना, वो थोड़ी बड़ी है, उनसे समझदार है, उन्होंने एक मैप बनाया, और जो ये मैप है वो थोड़ा पिछले मैप से अलग है। मीना ने यहाँ पर क्या किया, अलग अलग सिंबल्स यूज किए लैंडमार्क्स के लिए। जो बड़ी लाइन है वो लॉन्गर डिस्टेंस से बनाई गई, जो शॉर्टर डिस्टेंस है उसको शॉर्ट लेंथ से बनाया गया, यानी कि उनको उन्होंने मैप को स्केल किया बाकायदा। उन्होंने जैसे 2 किलोमीटर है तो उसको इससे दिखाया, 1 किलोमीटर है तो इतने डिस्टेंस से दिखाया, और आधा किलोमीटर है तो ऐसे दिखाया। लैंडमार्क बताया उन्होंने कि स्कूल के लिए प्रॉपर लैंडमार्क यूज किया, और उन्होंने बताया कि यहाँ पर आपका क्या क्या पड़ेगा, पेट्रोल पंप पड़ने वाला है, यहाँ पर ये पोस्ट ऑफिस का कुछ पड़ने वाला है। इस तरीके से उन्होंने प्रॉपर यहाँ पर, मैं कहूँ तो मैप के जो सिंबल्स हैं वो बताए। तो अब आप बता सकते हैं किसका जो राघव उसका स्कूल है, कितना दूर है रेसिडेंस से, किसका स्कूल पास है राघव साहब का कि मीना का, कौन कौन से लैंडमार्क्स है रूट के, अब इसको आप देख के बता सकते हैं। देखिए, उन्होंने कहा आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, अब इसको गिन सकते हैं आप बाकायदा, जगह को देख सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ आएगी, वो लोकेशन आपको इससे प्राप्त हो रही है। तो हम यहाँ से रियलाइज करते हैं कि जो सिंबल्स हैं और जो डिस्टेंस है, उन्होंने कितना आसान बना दिया, जो राघव साहब ने बनाया था और जो मीना जी ने बनाया। आपने देखा जो डिस्टेंस है बड़े प्रोपोर्शनल हो गया, डिस्टेंस जैसे 1 किलोमीटर है तो बड़ा लेंथ दी, आधा किलोमीटर के लिए कम लेंथ दी, प्रॉपर स्केलिंग की गई यहाँ पे। अब यहाँ पर स्केलिंग भी आ गई, इन्होंने एक्चुअल लोकेशन की जगह भी बताई, और इन्होंने बताया कि अगर मेरा मैप छोटा है, मतलब एक कागज पर बना रही हूँ,
तो 1 किलोमीटर को हो सकता है मैं 1 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करूं। अब 1 किलोमीटर को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, उसी हिसाब से जैसे 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया तो 10 किलोमीटर को मैं 10 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करने वाली हूँ, राइट। ध्यान रखिएगा जो स्केल है वो मैप टू मैप वेरी करती है। अगर आप दिल्ली का मैप देखेंगे हो सकता है इंडिया के मैप के हिसाब से वो अलग हो, क्योंकि इंडिया का मैप बहुत बड़ा होता है, दिल्ली का मैप थोड़ा छोटा होगा, लेकिन जब एक ही पेपर पे दोनों आते हैं तो स्केल डिफरेंट हो जाएगा। मैप के साइज अलग होते हैं, स्केल अलग होते हैं, डिस्टेंसेस अलग होते हैं। जैसे मैंने कहा कि 1 सेंटीमीटर जो दिल्ली के मैप में होगा, हो सकता है क्योंकि इंडिया का मैप बड़ा होगा 1 सेंटीमीटर कम डिस्टेंस को दिखा रहा हो इंडिया के मैप में। तो जो जगह लंबी होगी बड़ी होगी वो बड़ी चीज से दिखाई जाएगी, जो छोटी होगी डिस्टेंस छोटा होगा उसको छोटे लेवल से दिखाया जाएगा। जैसे ये आप इसको प्रॉपर देखिए, ये रोड अगर आप मैप पे दिखाते हैं जो जिसमें इसके अलावा भी कंटेंट है तो आप इसको इस तरीके से दिखाएंगे, लेकिन अगर आपके पास केवल यही चीज दिखानी है तो आप इस तरीके से दिखाएंगे। मैप आपको बताता है लोकेशन किसी ऑब्जेक्ट या प्लेस बाकी और ऑब्जेक्ट और प्लेसेस के रिलेशन में। जो सिम्बल्स है वो आपको बताते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट और प्लेसेस, और कोई रेफरेंस या परस्पेक्टिव नहीं होता मैप में। ऑब्जेक्ट जो आपके पास में होते हैं वो आपको चाहे दूर हो पास हो आपको एक ही परस्पेक्टिव में दिखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये जो है अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो आपको चीजें छोटी या बड़ी दिखाई देगी, लेकिन फिर भी हम ये नॉर्मल परस्पेक्टिव है। ये जो मैं कार चला रहा हूँ तो मुझे ये चीज बड़ी दिखाई देगी, ये चीज छोटी दिखाई देगी, लेकिन जब मैप की बात होती है ये भी उतने साइज का है, ये भी उतने साइज का है। तो मैप स्केल यूज करता है जो फिक्स्ड है पर्टिकुलर मैप के लिए, और ये रिड्यूस करता है रियल डिस्टेंस उस हिसाब से जिस हिसाब से डिस्टेंस हो गया पेपर में प्रोपोर्शन, उसी प्रोपोर्शन में।